किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी विधायक सरोज यादव एक बार फिर अपनी दबंगई की वजह से चर्चा में हैं। ताजा घटना बिहार के भोजपुर की है, जहां पर आरजेडी के विधायक सरोज यादव की दबंगई का मामला सामने आया है। बढ़हरा विधायक सरोज यादव पर आरोप है कि अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उन्होंने आईटीबीपी के जवान और उनके पत्नी बच्चे की पिटाई की है। क्या मामला हुआ, क्या हुआ आपका सर, क्यों मारा है? टेम्पो कर गाड़ी हमें, उनका गाड़ी आ रहा था, अब पता नहीं ड्राइवर साइड दिया क्या दिया नहीं दिया। हमारे हस्बैंड शांत में चल रहे थे, वो गाड़ी लगा के रुक के हस्बैंड के लात से मार के गिरा दी बाइक से, और तीन गो सिपाही थे मार के मुआ दिए मार के। हम लोग गए तो बच्चों के मेरे फेफड़े में हाथ लगा के नीचे बिक दिए। अरे बच्चों को देखिए कैसे मार के हाथ काला किए हैं, बाप रे बाप, उनका बाप तो रोड है, पुलिस के घुस दिए थे इसीलिए रोड खोल दिए हैं का। अरे बाप रे बाप, क्या जनता का रोड होता है? अरे देखा है वो बैठ पड़ जाएगा सर, उनका बाल बच्चे फैमिली नहीं है। अरे बाप रे, ऑटो से हम लोग आ रहे थे, पूछते हैं बच्चे टेम्पो से आ रहे थे। हाँ, टेम्पो लगे मार के भगा दिए भैया। अरे बाप, कौन है सरोज यादव, कौन है यहाँ का काजन, कौन मुखिया है कि क्या है? हम गए विधायक, विधायक विधायक बड़ा रहे थे, चार को चार को सिपाही लिए थे, सिपाही से बोले कि मार के मुआ चारों फैमिली के। बाप रे बाप, जोता ना जोता। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के जवान जयप्रकाश महाराज अपने परिवार के साथ अपने घर कोइलवर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव जा रहे थे। वो खुद बाइक से थे और उनका परिवार ऑटो से था। पीछे से विधायक जी की गाड़ी आ रही थी, जिसे पास नहीं मिलने पर जवान समेत परिवार की पिटाई कर दी गई। हम अपने बच्चे को लेकर आ रहे थे, छुट्टी से ड्यूटी जा रहे थे, ठीक है, तब तक ट्रक वाले वहाँ चंदपुरा में जाम लगा रखे थे, उनको हम साइड कराते हैं, तब तक उन्हीं का पीछे से गाड़ी आया, मेरा भी टेम्पो आगे था, मैं जब तक निकलवा रहा था अपना टेम्पो का और मैं खुद, तब तक वो आके बोला है गाड़ी हटा रहे, उसके बाद मेरे को मैं बोला सर रुकिए आप घबराइए मत, अभी हटा रहे हैं आप, चढ़ तो नहीं जाइएगा क्या जी, तब तो वो बोले हमको नहीं तो चिंता है, इसी पर चारों को बॉडी गार्ड उतर गया, हम पे हमला कर दिया, उसके बाद मेरे बच्चे भी टेम्पो रुकवा के आए तो उस बच्चे पे भी हमला कर दिया हमारे, फटा हुआ है यहाँ पे बट से मारे हैं, यहाँ छाती में चोट लगा है, इधर चोट लगा है, हेलमेट तोड़ दिया मेरा और मेरे बच्चे को, लड़के को मारे हैं बट से, यहाँ पर काला हो गया पूरा, ये किए हैं सारे, उनके नेताजी थे और उनके बॉडीगार्ड थे सारे सिपाही पांच, सरोज यादव चार बॉडीगार्ड थे, उनके वर्दीधारी थे सारे। पिटाई के बाद जब आईटीबीपी का जवान अपने परिवार के साथ कोइलवर थाना पहुंचा, तो वहां भी उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और पुलिस कर्मियों ने उसे बहाना बनाकर थाने से वापस लौटा दिया। इस मामले में जब भोजपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस जांच कर रही है और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आईटीबीपी का जवान था, उसके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि बढ़हरा विधायक सरोज यादव वो जहाँ से निकल गए थे उसी क्रम में कुछ कहासुनी हुई, मारपीट की घटना करी गई है, तो उसी क्रम में बताया गया, हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पीड़ित सेना का जो जवान है उनकी पत्नी का आरोप है कि विधायक द्वारा मारपीट भी की गई है और अश्लील हरकत भी की गई है, जो भी जैसा भी किया गया कानून अपनी तरह से काम करेगा, अगर ये सब चीजें पाई जाएंगी तो उनके प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आरजेडी विधायक सरोज यादव अपनी दबंगई की वजह से सुर्खियों में रहे हों। इससे पहले भी कई बार विधायक महोदय अपनी दबंगई को लेकर चर्चा में रहे हैं।